राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल साहू की निर्मम हत्या की जांच के दौरान एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में दो नहीं पांच आरोपी शामिल थे। बताया जा रहा है कि दो आरोपी हत्या के समय दुकान में मौजूद थे और तीन अन्य दुकान के आसपास थे। पुलिस के द्वारा अन्य आरोपी आसिफ और मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीसरे की तलाश की जा रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार आसिफ की उम्र 24 साल और मोहसिन की 25 साल है। ये दोनों हमले के समय दुकान से लगभग 70 मीटर पहले अपनी बाइकों पर ही एक गली में रुक गए थे, जबकि रियाज और गौस दुकान के अंदर घटना को अंजाम देने चले गए। इन लोगों ने तैयारी किया था कि अगर हमले का प्लान उल्टा हुआ तो ये दोनों भी हथियार लेकर दुकान में हमला करेंगे। कन्हैया लाल की हत्या करने के बाद दोनों मोहसिन और आसिफ के पास वापस गए और वहां से बाइक पर फरार हो गए। रियाज और गौस की सूचना पर पुलिस को घटना स्थल से दूर एक स्कूटी मिली है जिसका नंबर RJ27BS1276 है और इसका रजिस्ट्रेशन मोहम्मद गौस के नाम पर है। पुलिस इसी आधार पर यह अनुमान लगा रही है कि कोई पांचवा आरोपी भी घटना स्थल के आसपास मौजूद था, जिसकी तलाश जारी है। उम्मीद है कि प्रशासन इस पूरे मामले की तह तक जाएगा और सभी दोषियों को उसके किए की सजा मिलेगा। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।